नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोलिक की आवाज़ क्यों आती है, आपकी गाड़ी में टैबिट नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है ऐसा क्यों होता है। आपको पता हो कुछ इस तरह के हाइड्रोलिक होते हैं जिसको हम हाइड्रोलिक टैबिट बोल सकते हैं, तो इस तरह के कुछ हाइड्रोलिक होते हैं और ये कट जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। पर कभी किसी मैकेनिक ने या किसी ने भी आपको ऐसा सीक्रेट नहीं बताया होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इसमें प्रॉब्लम इतनी जल्दी क्यों आती है। कंपनी कहती है कि हम डेढ़ लाख किलोमीटर चलने के बाद ये ख़राब होते हैं, मतलब पर ये गाड़ी तो 3,000 या 4,000 चलती है उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। और ये है हमारे हाइड्रोलिक, 815 रुपये का है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सीक्रेट जिसकी वजह से आपका टैबिट नॉइस नहीं आएगा। आपने नोटिस किया होगा कभी आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो शोरूम की जो गाड़ी होती है कंपनी फिटेड गाड़ी के अंदर भी ये प्रॉब्लम रहती है और किसी गाड़ी में बिल्कुल साइलेंट होती है आवाज़। तो जो हमारे टैबिट, मैं एक बार ज़रा घुमा के दिखाता हूँ इसका, ये होता है हमारा इंजन, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक होल दिया गया होता है, आप इसे गौर से देखें ध्यान से, तो एक यहाँ पर एक छोटा सा छेद दे रखा है। अब हम अपने टैबिट चेंज कराते हैं उसके बाद भी आवाज़ आने लगती है, उसके पीछे क्या रीज़न है आप समझिए, ज़रा चीज़ को समझना। मैं एक बार उठा के दिखाता हूँ, अब यह हमारा अंदर, यहाँ इसके अंदर हमारे टैबिट लगते हैं। हम नॉर्मल क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं और इसके अंदर ऐसे लगाया और इसको इसके अंदर बिल्कुल आराम से बिठाल दिया, ये चले गए इसके अंदर, शायद आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में सही तरीका क्या है, सही तरीका मैं दिखाता हूँ दूसरा खोल के आपको एक बार। हमने हाइड्रोलिक को निकाला बाहर, अब इसके अंदर यहाँ पे एक छेद है छोटा सा, जो ऑयल इसके अंदर जाता है बाहर से और इस छेद से बाहर को आता है ऑयल। अगर हम इसको अंदर की साइड लगा देंगे तो ऑयल की सप्लाई ठीक नहीं होगी, ये इसको अगर हम इस तरह लगाते हैं तो ऑयल की सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर छेद नहीं है और ऑयल जो जाता है, हमारा ऑयल पम्प ये है, इसके थ्रू यहाँ से घूम के आर एच कवर में ऑयल फिल्टर में आया, इस होल से अंदर जाता है और जस्ट इसके बाद यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो पिन दे रखे हैं आपको, ये जो दो पिन है इसके उस साइड में ऑयल जाता है यहाँ केस के अंदर, इधर इधर, तो जो होल दे रखे होते हैं इसके वो इधर साइड से अंदर जा रहे होते हैं। अगर इसी को हम ऐसे डाल देंगे तो ऑयल घूम के जाएगा और टैबिट नॉइज़ की प्रॉब्लम कभी आपकी गाड़ी की ठीक नहीं हो पाएगी। तो सही तरीका है इसको बाहर की साइड रखना है, ये जो छेद है इसको ऐसे बाहर की साइड रखना है, इसके बाद इसको लगाना है इस तरह। अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो आपके जो टैबिट नॉइज़ है 99% दोबारा हाइड्रोलिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसको किधर भी साइड डाल देते हैं या अंदर साइड डालते हैं तो 95% आपकी गाड़ी में टैबिट नॉइज़ की प्रॉब्लम आएगी। तो मेक श्योर आप समझ गए, मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि आप समझ सकें मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।